रघुराज जी हमने मायावती की भी बात की हम फिर से मायावती पे आते हैं सवाल इसलिए क्योंकि ये ओपी राजभर जी से जुड़ा हुआ है ओपी राजभर एनडीए में शामिल होने से पहले जब सपा की साइकिल पर सवार थे तो वो उस वक्त बार बार ये चीज बोल रहे थे एक ही नाम मायावती 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 जब बनारस में एबीपी गंगा की पदयात्रा थी तब मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था उस दौरान भी उन्होंने नाम मायावती जी का लिया था कि अगर अखिलेश जी गठबंधन के लिए दूर दूर जा रहे हैं के से मिलने जा रहे हैं साउथ की दिशा में जा रहे हैं लेकिन बगल में बैठी मायावती जी से वो बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात बिगड़ी भी इसी वजह से है कि अगर शायद अखिलेश मायावती जी से बात करने चले जाते क्योंकि वो कह उनका कहना उस वक्त ये था कि मायावती जी को आगे प्रधानमंत्री फेस के तौर पर विपक्ष आगे बढ़ाए अब वो वापस एनडीए में आ गए हैं और अगर कल को मान लीजिए क्योंकि राजभर का नाम आता है तो उनको क्या उठा वाले नेता के तौर पे कुछ लोग उनको रायते बाज बोलते हैं कई सारे देखिए जी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा ये छोटे दलों का बहुत जल्दी आइडियोलॉजी बदल जाती है हमारी आइडियोलॉजी जो थी उन्नीस सौ में हमारी जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद जनता पार्टी बनी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी हमारी आइडियोलॉजी में कोई बदलाव नहीं तो क्या लगता है राजभर बीजेपी को फिर से धोखा दे देंगे देखिए अब मैं दे इस विषय में अब क्या कहूँ अब भविष्य वक्ता तो हो नहीं लेकिन देंगे नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन देंगे तो अपना नुकसान पाएंगे अपना ही नुकसान हुआ है उनका... आपको शक है थोड़ा बहुत कि राजभर जो है वो धोखा दे सकते हैं देखिए भाग गई भाग्य बुरा हुआ आगे आ गई उससे भी ज्यादा बुरा हुआ और उसके बाद उसके बाद जब तीसरी बार भागे तो सत्यानाश हुआ हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हम तो गंगा जल है जैसे गंगा बहती है ना वैसे नदी नाले कितने गंगा जल गंगा में मिलते हैं सब पवित्र हो जाते हैं तो हमारे पास आने के बाद सबको हमारे जैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हमें वैसे ही रहना पड़ेगा नहीं रहेंगे तो भैया जाओ भैया अपना रास्ता दे सीधी सी बात है अपने यहाँ कोई उसके लिए वो नहीं है रोका टोकी नहीं है कि रोकेंगे मनाएंगे ये संभव नहीं मतलब इसको एक लाइन में कह है सकते हैं जब तक साथ है तो ठीक है हां ठीक है हां तो नहीं तो कोई बात नहीं कोई बात अब बिल्कुल कोई बात नहीं कोई, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 90% बहुत बढ़िया आदमी है तो 10% लोगों को भी हम ठीक कर लेंगे एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की